खबर पीलीभीत जनपद से, जहां सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश का कड़ाई से पालन करने को लेकर पुलिस अधीक्षक, जिलाधिकारी और सिटी मजिस्ट्रेट ने आसाम चौराहा निकट मंडी समिति के आसपास निरीक्षण के दौरान ट्रैफिक पुलिस तथा सुनगढ़ी क्षेत्र की पुलिस को कड़ी हिदायत दी है। सड़क किनारे अनावश्यक वाहन खड़े होने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। अवैध तरीके से खड़े वाहनों, ठेले दुकानों के आसपास अवैध तरीके से बनाए गए बस स्टैंड, टेम्पो स्टैंड को तुरंत हटाया जाए। उन्होंने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा, क्षेत्र में अवैध तरीके से टेम्पो, बस स्टैंड और माफियाओं के वाहनों को खड़े करने में पुलिस के आरक्षण देने की अगर शिकायतें मिलती हैं तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में उन्होंने सीओ सिटी थाना सुनगढ़ी प्रभारी को भी कड़ी चेतावनी दी है। मंडी समिति और आसान चौराहे के आसपास दुकानदारों को भी सख्त हिदायत देते हुए कहा, जल्दी ही अपनी दुकानों के आगे का सामान हटा ले, अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना भी वसूला जाएगा। पीलीभीत के पूरे मार्केट में जहाँ जहाँ भी अवैध पार्किंग, अवैध स्टैंड हैं, अवैध अतिक्रमण हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। अभी कल हम सीओ साहब सुंदरी साहब मेन बाजार में जो है वो हम लोगों ने अभियान चलाया। आज जो है आसाम चौराहे के जो है दोनों साइड में, पुरनपुर रोड पर, दुगलपुर रोड पर, अभी वहाँ पर जो अवैध रूप से लोगों ने सामान के आगे सामान या बालू कुछ रख लिया था उसको हटवाया गया है। बाकी जिन लोगों ने टीन शेड और चीज़ें डाल ली है उनको चेतावनी दी जा रही है कि कल वो हटा लें, अन्यथा कल उसको चिन्हित करके वो जेसीबी से हटवाया जाएगा। तो इसमें संयुक्त कार्रवाई चल रही है पुलिस की, प्रशासन की, नगर पालिका की, और इसमें लोग सहयोग भी कर रहे हैं, बहुत शांतिपूर्वक कार्रवाई चल रही है।